देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज एंड अर्न 1848। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? इजी क्वेश्चन है। जब भी हमें ऐसा दिया हो तो हम क्या करते हैं, मैंने ए का नाम लिखा, मैंने बी का नाम लिखा, और ए किसी काम को कितने डेज में खत्म कर देता है, 6 डेज में उस वर्क को वो खत्म कर दे रहा है। ऐसी जो बी है, बी उस वर्क को कितने डेज में खत्म कर देता है, 8 डेज में खत्म कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं। 8 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये जो एलसीएम आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क 24 यूनिट्स है हमारा जो ए और बी को करना है। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए, 6 4 24, और 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए, 8 3 24। इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी समझ लो, ए की आई है 4 यूनिट्स और बी की आई है 3 यूनिट्स। मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे, ए का मैं बताता हूँ, ए अगर 6 दिन काम करेगा, एक दिन में 4 यूनिट, दूसरे दिन भी 4, तीसरे दिन भी 4, चौथे दिन भी 4, पांचवें दिन भी 4 और छठे दिन भी 4। तो इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका 24 बन जाएगा। सेम तरीके से आप बी का भी देख सकते हो कि वो 24 ही बनेगा जब वो 3 यूनिट्स काम कर रहा है। अब बोला गया विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम, इन्होंने कितने दिन तक के लिए किया है, 3 दिन के लिए काम किया है और इन्होंने टोटल वर्क खत्म कर दिया है। टोटल काम कितना था, 24। ए एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में वो कितना काम कर लेगा, एक दिन में अगर ए करता है 4 काम तो 3 दिन में वो कितना कर लेगा, ऑब्वियसली 12 कर देगा, 4 3 12। और अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो वो 3 दिन में कितना कर देगा, वो कर देगा 3 3 9। तो टोटल 21 काम इन दोनों ने मिलके किया है। वो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी, 4, और बी की वैल्यू 3 थी। सी एक दिन में कितना काम करता है वो हमें पता नहीं है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस सी, और वहां से 3 8 को काट देगा, 3 8 24। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1। मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट का काम खत्म करता है। ठीक है, अब समझ लो हमें ये बोला गया कि अगर इन लोग ने 1848 रुपीज कमाए हैं तो उसमें से सी को कितना मिलेगा। देखो जो भी पैसे बटने होते हैं ना, जैसे जो भी वेजेस होती हैं वो वेजेस किसके प्रपोर्शन में होती हैं, वर्क डन के। मतलब जिसने जितना काम किया, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से सबको पैसे मिलते हैं। अब ए है, ए है, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है और उसने 3 दिन के लिए काम किया तो उसने टोटल काम कितना किया है, 12 यूनिट का ए ने। ऐसी बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है और उसने 3 दिन काम किया तो उसने कितना काम किया, बी ने 9, बी ने 9 काम किया। और बचे वाले सी एक दिन में 1 काम करते हैं, 3 दिन तक इसने 3 काम किया है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया है वर्क डन का इसमें बटेगा। मतलब 3 1 3, 3 3 9 और 3 4 12, तो किसमें बट जाएगा, 4 3 और 1 रेशियो में बट जाएगा। तो अगर मैं बांटूं इसको 1848 इंटू सी का शेयर 1/8, 4 3 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8 1 8 2 16। तो देखो 2 से 1 ही ऑप्शन आ रहे हैं, 2 से 31, तो मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, यही इसका आंसर है। पर हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 16 आ जाएगा, फिर 8 3 24 आ जाएगा और 8 1 8 आ जाएगा, 2 से 31 इंटू 231 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज मुझे यहाँ पे और समझानी है कि ये जो 4 3 1 हम लोग रेशियो निकाला है ना वर्क डन का, अगर आप ध्यान से समझो ना, ये जो वर्क डन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वही एफिशिएंसी के इक्वल होता है। ध्यान से अब देखना, हमने जो वर्क डन जब निकाला था तो 12 9 कितना आया था, ये हमारा आ गया था 12 9 3 आ गया था, और फिर जब उसको कैंसिल आउट किया लोएस्ट फॉर्म में तो 4 3 1 आया। और अगर ध्यान से देखो, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1, तो ये देखो सेम निकला है। तो याद रखना वर्क डन और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, सेम होता है और उसी में सारे पैसे बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।